सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे चैनल प्रोग्रामर 88 में। तो गाइस आज के वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं वन ब्लॉक यार। तो इस साइड में आप देख सकते हो 2014 ब्लॉक्स आज के मतलब अब तक के दो एपिसोड में मतलब तीन एपिसोड होने चाहिए थे बट एक एपिसोड में डाल नहीं पाया। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो गाइस अभी पहले इसको उठा एंड थैंक यू सो मच थैंक यू। तो उसको बेचारे को अभी रात भर जगना पड़ेगा। तो गाइज अब हम सो के उठ चुके हैं। तो गाइज अब आज हम ये जो पेड़ के लीव्स हैं इन लीव्स को हम काटेंगे इस वजह से क्योंकि मैं अभी जो घर बनाऊंगा ना उसके लिए मुझे इन लीव्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इस वजह से गाइज ये सारे लीव्स काट लूँगा और कुछ हो से भी इनको ट्राई करूँगा। इनमें से अगर कुछ सैपलिंग्स निकल जाए तो अच्छी है। सैपलिंग्स निकलेगी तो भाई एक पेड़ तो गाइज मैंने पूरा तोड़ ही दिया है। तो मैंने सोचा इससे मैं करूँ तो पहले हो इसे हम कर लेते हैं तीन चार। भाई कुछ नहीं निकल रहा यार, ये कलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा ही था 25 हुआ है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल दूँ आयरन इधर। आयरन तो गाइज मेरे पास आयरन की कमी हो गई है बिकॉज गाइज मैंने जो एनविल बनाया ना उसके लिए मैंने आयरन वेस्ट। अबे भाई ट्रेड दबाने वाला था गलती से हीट लग गया। भाई मैं क्या करूँ, मैं गिर के मर जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं मर जाऊँ। भाई एक सैपलिंग गाइस मैंने उगा के, भाई बहुत दिल से बुरा लग रहा है भाई मेरे दो। अगर आपने पहले भी देखा होगा तो जब मैं ऑफ कैमरा खेल रहा था तब भी मेरा एक विलेजर मेरे से गिर गया था और एक तो वीडियो में ही गिरा था मेरे से हीट से। क्या करेंगे भाई, विलेजर लोग के पास दिमाग नहीं रहता है या फिर मेरे पास नहीं रहता है क्योंकि मैंने फेंस नहीं लगाया यार। मुझे फेंस भी बनाने पड़ेंगे लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा मैं, अपने वुड्स बचाएंगे क्योंकि डेजर्ट वाला फेज़ है ये। डेजर्ट वाले फेज़ में गाइस हमें मिलेगा ही नहीं वुड। अबे भाई पीछे देखते देखते मैं खुद गिर गया। भाई यार वीडियो की स्टार्टिंग कितनी ख़राब हुई है गाइज यार इस बात पे यार प्लीज़ यार दिल से बुरा लग गया यार। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करके और पर प्रेस कर दो। तो अभी भाई एक गोल्ड की चलाते हैं, मेरे पास आयरन की भी कमी है। अभी डायमंड की लगता है बनानी पड़ेगी स्वॉर्ड और ये फिर से। भाई क्या कर सकते हैं हम, क्या ही तो करेंगे भाई भाई चलो फिर। एंड गाइज अगर ये वीडियो लेट आए तो उसके लिए सॉरी, भाई मैं अगले दिन ही खेल लेता हूँ लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाता भाई, अपलोडिंग में टाइम लग जाता है तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। तो फिर से चलो, गोल्ड की तो कमी नहीं है हम लोग के पास, आयरन की भी नहीं थी लेकिन जो मैंने बना लिया एनविल का कुछ काम नहीं था भाई, कुछ काम नहीं भाई। एमरेंड चला गया यार मेरा, एमरेंड था या क्या आयरन था, आई थिंक गोल्ड वाले इससे एमरेंड चला जाता। अरे एमरेंड भाई 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 फिर से गोल्ड की एक भाई आयरन है क्या। अरे यार डायमंड की गाइज हमें बनानी पड़ेगी यार वरना मेरा ये जो एमरेंड है वो चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एमरेंड की कमी है लेकिन अगर गाइज वीडियो लेट आए तो समझ जाना, मतलब समझ के जाना क्योंकि वीडियो लेट आने का कोई इशू भी हो जाता है इस वजह से वीडियो लेट आ जाती है। अब क्या बोलूँ भाई। तो चलो अभी सब मैं सामान निकाल लेता हूँ जो जो मुझे लगा, मुझे स्टिक्स लगेंगे तो इस चेस्ट में, इसमें तो वही जो जो डैमेज रहते वही रखा हूँ और इसके अंदर भी नहीं है गाइस, इसके अंदर भी नहीं है। अभी इधर इस वाले चेस्ट में एक उम्मीद है, इसमें भी नहीं है। प्लैंक्स है चलो हम स्टिक्स बना लेंगे गाइज, स्टिक्स बना लेते हैं 8 और एक डायमंड की। सबसे पहले एक पिकैक्स फिर एक स्वॉर्ड बना लेते हैं एंड डायमंड की स्वॉर्ड और पिकैक्स और 4 डायमंड बचे मेरे पास यार। पहले भी एक डायमंड की जो पिकैक्स बनाई थी वो भी मेरी टप्पा की गिर गया टूट चुकी है, याद नहीं आ रहा भाई।
यार मेरी थोड़ी मेमोरी ना अच्छी नहीं है यार, तुम लोग बताओ यार कौन से ऐप से मेमोरी अच्छी हो जाएगी। भाई कुछ भी बोल रहा मैं, कुछ भी मतलब। चलो यार डायमंड, यार क्या समय आ गया मुझे डायमंड। लामा, अबे लामा इसके इसकी शरीर कितना बड़ा है, इसकी ये कितना छोटा है लामा। ओए हेलो लामा जी। चलो गाइस और भी कर लेते भाई मजाक बाद में। पहले अरे यार ये डेजर्ट वाले फेस में हम पहुंच गए थे गाइस, जिसको भी नहीं पता है पिछला वीडियो देख के आ जाओ, डेजर्ट वाले फेस के साथ मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो वही हुआ था जो हुआ था, और कुछ नहीं कहेंगे कि और क्या हुआ था भाई। डायमंड की भाई मेरे आज तक सिर्फ एक ही वर्ल्ड में डायमंड का मैंने यूज़ किया था, जो कि वर्ल्ड डिलीट हो गया, मतलब डिलीट नहीं, मैंने खुद डिलीट कर दिया भाई, इस वजह से मैंने खुद डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे, अरे भाई सैपलिंग्स दो दो मिल गए, सही है, फिर एक सैपलिंग्स यहीं लगा देते हैं। मैंने कहा इस वजह से डिलीट कर दिया क्योंकि मैं मेरे को इतने वर्ल्ड नहीं रखे थे, बहुत सारे वर्ल्ड थे, उसमें कुछ वर्ल्ड्स अच्छे थे और जो वर्ल्ड मैंने वो डिलीट कर दिया ना, उसमें की वो जगह है गाइज मैं उसके कोऑर्डिनेट्स भूल गया था। अपने वीडियो में भी देखा तो उस टाइम उस वीडियो में कोऑर्डिनेट्स ऑन नहीं थे, तो भाई प्रॉब्लम हो गई थी मेरी। अरे भाई आप कहोगे भाई आप विलेज सेट करते, तो मैंने जो विलेज सेट किया था वो वाली विलेज की सीड जब मैंने यूज़ करी, हाँ वही सीड जो कि मैं डेजर्ट वाले इसमें था, डेजर्ट से फिर आइस वाले में गया, तो उसके अंदर तो पूरा डायमंड का आर्मर और डायमंड का स्वॉर्ड था। तो अभी सब इसमें डाल देते हैं गाइस चेस्ट, वो सब बात को भूलो यार। चलो अपनी वीडियो में बढ़ते हैं आगे लामा की। लेकिन गाइस लामा को देख के बहुत हंसी आ रही है मुझे, लामा को देख कर फेंस बंद कर, मैंने फेंस ये और ऐसा इस वजह से रखा है, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड में बदल दूँ। हाँ ऐसा सोचा हूँ कि बदलने को, क्योंकि काफ़ी ओवर टाइप है, लेकिन अगर यहाँ मॉब स्पॉन होते हैं तो ये काफ़ी सेफ है, लेकिन फेंस के बाहर नहीं आते, तो सब पहले कलेक्ट कर लेते हैं, पता चले कैक्टस आए और सब वो ही ले ले, पता नहीं वो कैसा होता है। तो ये क्या वूल है? नहीं वूल नहीं है भाई, मुझे वूल लगा था भाई सच में, इस वजह से मैंने दीवार पे लगाया। भाई इसके पैर देख के भाई बहुत हंसी आ रही मुझे, एक मिनट इसको बंद करो, इसको खोल देते ताकि वो आ जाए, इतना भी रुक के मत रखो। वैसे कितने दिन में गाइस लंबी हो जाएगी माइनक्राफ्ट के अंदर, कमेंट में सब लोग ज़रूर बताना भाई, कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, पहले ही कह दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना चाहे मतलब, अरे पहले ही कह दे रहा हूँ कमेंट में जाके ज़रूर बता देना, वीडियो देखने के बाद मत बताना, हाँ शायद इसी वीडियो में बड़ी हो जाए या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं सोचा हूँ ना कि मैं अपना एक घर बनाऊँगा, मतलब विच टाइप, मतलब कैसा घर, तो मैं सोचा हूँ ग्लास और सैंड का। तो गाइज इस समय मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को कट कर देते हैं, इस वजह से स्किप कर देते हैं, क्योंकि मैं घर बनाने के बाद मिलता, जैसा कि मैंने बोला था मैं इसे मिलता हूँ। तो अभी यहाँ मैं स्लैब्स इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि मैं अपना घर इतने एरिया में बनाऊँ, एंड इतने थोड़े बड़े एरिया गाइज रहेगा ना तो मेरा प्लेटफॉर्म बराबर रहेगा तो घर भी अच्छा बनेगा, लेकिन सैंड का घर बनेगा तो कमेंट में प्लीज़ अच्छा है बोल देना कि घर अच्छा है, थोड़ा मोटिवेट होऊंगा मैं। तो पहले सो जाते हैं ताकि रात को मॉब स्पॉन ना हो। एंड गाइस अभी आपको मैं देख सकती हूँ कितने एंड विलेजर भी स्पॉन हुए हैं इस जगह, मैंने वीडियो को स्किप ही किया था, मैंने नहीं किया था उस टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग के उस टाइम ही स्किप कर देते, तो मैंने स्किप कर दिया था। एंड आप देख सकते हो ये फेंस लगाए, हाँ डोर नहीं लगाया, डोर लगा दी। देखो गाइस लामा ओनली 2 डेज के अंदर लामा सब बड़ा हो गया है मेरा, आप लोगों ने बताना कमेंट में किसने किसने बोला था कितने डेज के अंदर हो जाएगा, वो भी माइनक्राफ्ट के अंदर। तो मैंने डायमंड की सॉर्ड और डायमंड की पिकेक्स इस वजह से बचा के रखी थी गाइस ताकि मैं गिरूँ ना, और 2 लेवल हो चुके हैं क्योंकि मैंने बहुत माइन कर लिया, मतलब माइन नहीं ब्लॉक्स निकाल लिए, इस वजह से मेरे इन्वेंटरी के अंदर देख सकते हो लावा बकेट चेस्ट एंड टॉर्चेस स्लैब्स बनाए हैं मैंने, एंड कॉल स्टोन की मेरे पास कमी नहीं है, स्लैब्स तो मैं 5 स्टैक आराम से बना लूँगा, 1 स्टैक से हम लोग 1.5 स्टैक या 2 स्टैक बना सकते हैं भाई। और ये इसमें कोल है तो इसको डाल देते ताकि हम ग्लास बना सकें,
तो ये देख लो गाइस ग्लास है, मैंने बहुत ही ग्लास रखी, लावा बकेट इसमें डाल देते हैं। मेरे पास सैंड गाइस काफ़ी, और मैंने सैंड भी इस वजह से 6 जो हैं वो उधर रखे हैं। देख लो सामने मैंने ग्लास से बनाया, अभी ये इससे मैं 16 जो बनेगा ना ये मैं पीछे के साइड में सोचा हूँ गाइस बनाने का। ग्रास इस वजह से गाइस लगाया मैं, बहुत रिस्की काम था। एंड इसमें देखते हैं भाई कितना वेस्ट हो, देख लो उधर बीच में टॉर्च भी है, बहुत एकदम रिस्क लिया था भाई, रिस्क। बाबू राय का, बाबू भाई का स्टाइल है, बाबू राय का स्टाइल है। देखो गाइस ट्रांसपेरेंट डाई में लगा सकता हूँ, डाई है या नहीं पता नहीं यार, डाई है तो दिख नहीं रहा इसमें, मतलब काफ़ी सारे भाई लो, मैं बोल नहीं रहता काफ़ी सारे वेस्ट। देख अब भाई फिर से मेरी गलत हो गई, मेरे को ये नहीं निकालना चाहिए था लेकिन फिर से गलत हो गई। कोई बात नहीं, इस वजह से मैंने ग्लास 6 रखे थे कि मुझे और इस टाइप के ग्लास मिल जाएँ। और अब डाई भी है मेरे पास, ब्लू डाई, मैं ब्लू ग्लास बना सकता लेकिन मैंने उसे बचा के रखा है भाई, बचा के रखना अच्छी बात होती है गाइस। एंड गाइस मैंने अभी काफ़ी चेक किए, मतलब कि माइनक्राफ्ट के अंदर हमें डेजर्ट या फिर किसी भी हम फेस में रहेंगे क्या तो हमें ऑब्सीडन मिल सकता है एन्चेंटिंग टेबल के लिए, तो उसमें बोला था कि किसी भी फेस में मिल सकते हैं, फर्स्ट फेस में बस नहीं मिलते, सेकंड एंड थर्ड फेस से मिल सकता है। अब मैंने देखा है मुझे मिलता है कि नहीं वो नहीं पता, आप लोग कमेंट में बता देना। 16 चलो अच्छा हुआ और बन गए। एंड मैन ग्लास ये देख लो गाइस साइड में इतने रिस्क लेके बनाया ना, और ऊपर का आप देखना तो मत, बहुत ख़राब है ऊपर का, कमेंट में नूब मत लिखना भाई, बहुत मुश्किल से। इधर एक कॉबल स्टोन इधर लगा देते हैं, बाद में निकाल लेंगे। तो एक ऊपर ये देखो गाइस ट्रांसपेरेंट भाई, दिखता भी नहीं मुझे भाई, फिर से अभी प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं इसको तोड़ देता तो भाई कहाँ लगाऊँ, समझ भी नहीं आ रहा गाइस कहाँ लगाऊँ। अभी एक बार क्लिक हो जा रहा है तो बस मतलब बराबर लगा है, और इधर रॉड टाइप है गाइस काफ़ी। तो चलो अब एक उस साइड में लगाना ज़रूरी है, देख लो गाइस बीच बीच में सैंड कैसे यूज़ किया हूँ मैं, अरे यार गलत लग गया। इधर एक हाँ, और इधर चलो अभी ये कॉल स्टोन रहने दो, और इनको लगा देते हैं ऊपर के साइड लगेंगे क्या ऊपर, ऐसे बहुत सही, आई थिंक 6 में हो जाएंगे पूरे, ये बस टूटने नहीं चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड वंस बैठ के करूँगा तो आई थिंक ठीक रहे। ऊपर का गाइस अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा भाई स्टेयर्स वाले सैंड के स्टेयर्स यूज किया, मतलब सैंड के अंदर जो डेजर्ट बायोम के अंदर जो मिलते हैं ना उनके स्टेयर्स बनाया हूँ मैं भाई। बोला था मैं डेजर्ट हाउस बनाऊँगा डेजर्ट से, सैंड और डेजर्ट से। तो एक ग्लास ओके बहुत अभी परफेक्ट लग गया, देख लो गाइस ऊपर देख लो भाई क्या ही कॉवल स्टोन गोलम बन जाता है ऐसे, इससे खड़ा था ये लेकिन बनता नहीं है पता है। 64 आ चुके हैं। घर के अंदर गाइस कुछ नहीं है घर के अंदर। सबसे पहले बेड निकालेंगे एंड बेड जाके यहाँ रख देंगे, एंड ये लो चलो एक बेड रख दिया है। एंड हमारी चेस्ट, अरे एक मिनट एनविल निकाल लेते हैं, एनविल मिलेगी ना, मेरे तो लग रहा था गाइस कि एनविल नहीं मिलेगा, मुझे एनविल भी मिला है, एनविल भाई समझ। एंड टॉर्चेस लगा देते ताकि हम मॉब स्पॉन ना हो, और कुछ इधर बस एक रोशनी के लिए टॉर्च लगा रहा हूँ, और इधर बस बाकी जो है वो लेफ्ट साइड में लगाऊँगा इधर, क्योंकि इतनी ऊपर देखा गया था आपने कैसा था भाई बहुत। एंड भाई एक मिनट लीड इधर छोड़ी हुई है क्या, यहाँ मॉन्डरिंग ट्रेडर आया था क्या, जो भी कहेंगे मैंने सही कहा कि नहीं आप लोग बोलना। पहले इनको लीड लगा देता हूँ गाइस, मैं लीड लगा के अपने हमारे घर के बाहर ही रखाएंगे ना इनको, आ जाओ सब आओ भाई। एंड ये देखो एक मैंने इधर लगाया हूँ फेंसिंग, अरे यार ये हाथ छूट गई, अरे किधर लीड क्लिक हो यार भाई, मेरे को लग रहा है इन लोग में से कोई तो एक मरेगा गाइस मुझे लग रहा है।
इस साइड गाइज मैंने इन्हीं लोग के लिए लगाया था ताकि दो मैं बाहर कर सकूं, क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा। अबे ए विलेजर, विलेजर हेलो, उठो, 5 बज गए, चलो बाय 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 यार। तो ये जो मेरे इस वजह से गाइज मैंने वीडियो कट किया, बीच बीच में बहुत कट हो जाता है भाई। तुम बोला मतलब फ्री फायर का मैसेज, हाँ है, हाँ फ्री फायर अभी आ जाएंगे खेले, ऐसा नहीं है। एंड गाइज आपने मेरी वो वीडियो देखी या नहीं बताना, एक्स मानी अकिल भाई, मैंने बैम्बी शॉक हो गया था भाई, लॉबी में डाल के उनकी आई ड्रेस में, फिर जाके मैंने उनकी यूआईडी डाल के फिर सर्च किया, भाई वही थे भाई। मैं तो फुल हुआ, रिक्वेस्ट भी भेजा मैंने, बट एक्सेप्टिंग करे, इस वजह से फ्रेंड लिस्ट फुल थी। एक वीडियो भी बना सकता था अगर आप एंड में देखे होगे तो, उनको कितना मैंने फिर मैं टाइम वाले इसमें गया, एक गेम के अंदर कौन रहता, जो मैंने ऑयल बैरल से मारा ना वो मैंने गलत कर दिया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, वरना एक्स मानी अभी हमारे ग्रुप में आ सकते थे भाई। लेकिन क्या हमारा वो पूरा रश कर दिए गाइस, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो भी मैं नहीं करना चाहता हूँ गाइस। तो अभी फ़िलहाल तो पहले यहाँ चेस्ट लगा देते हैं, ये दो चेस्ट, इसके ऊपर भी एक डबल डबल चेस्ट इक्वल टू 4 चेस्ट, 4 चेस्ट हमने रख दिए हैं। एंड पहले वाटर बकेट एंड सब रख दिया हूँ गाइज। इस गाइज आप देखो यहाँ पर मैंने इस फार्मर को दे दिए सीड, एक एक सब 1v1 दिया, और जो गाइज हम लास्ट में मैंने सीड दिए ना वो सिर्फ पोटैटो ही उगा रहा है, आप अगर ध्यान दोगे तो सिर्फ पोटैटो ही उगा रहा है। ये फेंस जो गाइज मैंने ऑन किए थे, तो गाइज इस वजह से कहा था वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट।